फ्रिज रीअरेंजमेंट द फ्रिज रीअरेंजमेंट इज ए रीअरेंजमेंट रिएक्शन ऑफ ए फिनोलिक एस्टर टू ए हाइड्रोक्सिल एराइल कीटोन बाय यूजिंग लेविस एसिड एज ए कैटलिस्ट द रिएक्शन इज ऑर्थो एंड पारा सिलेक्टिव एंड वन ऑफ द टू प्रोडक्ट कैन बी फेवर्ड बाय चेंजिंग ऑफ द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट फिनॉल फिनॉल रिएक्ट एसिड एल्कोहल एंड एसिड फिनॉल रिएक्ट विथ एसिड एसिड टू इस्टर फिनॉल जब रिएक्ट करेंगे एसिड से तो इस्टर बनाएंगे फिनोलिक इस्टर फिनोलिक इस्टर फिनोलिक इस्टर इस्टर एल्युमिनियम क्लोराइड बाय यूजिंग इस्टर हाइड्रोक्सी एराइल कीटोन बाय यूजिंग लेविस एसिड एल्युमिनियम क्लोराइड एल्युमिनियम का हीट करेंगे तो ऑर्थो आइसोमर एंड पारा आइसोमर पारा आइसोमर पारा आइसोमर और ये जो है दो कंडीशन मतलब ऑर्थो एंड पारा जनरली जो है एट ए लो टेम्परेचर पारा आइसोमर एंड एट ए हाई टेम्परेचर ऑर्थो आइसोमर का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो लो टेम्परेचर पे पारा आइसोमर बनता है और हाई टेम्परेचर पे ऑर्थो आइसोमर बनता है। फ्रिज रीअरेंजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन रहा और AlCl3 की उपस्थिति है कैटलिस्ट तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये रहा आपका ऑर्थो ऑर्थो और ये पारा पोजीशन, तो इसमें कौन से पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, तो AlCl3 है और यहाँ पे जो है हीटिंग है हीटिंग है तो यह जैसे ही हीटिंग है तो यह आइसोमर मतलब ऑर्थो आइसोमर बनेगा, तो इनका जो रिजल्ट होगा क्या होगा, ऑर्थो आइसोमर रिजल्ट होगा।